एवरीवन, वेलकम बैक टू कायो टेल्स। तो हम लोग, आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जंगल सफारी का, और उसके बाद हम लोग उस वीडियो में मैं आपको एक्चुअली बता रही थी सवाई विलास होटल के बारे में, और हम आते वक्त वहीं पर आए हैं फॉर डिनर। और हमारे रूम अभी हम थोड़ा रेडी हुए थे क्योंकि हम बिल्कुल मिट्टी में हो गए थे, तो थोड़ा अस्त-व्यस्त हो गया है। तो मैं पहले अपने रूम से शुरू करूंगी और जितना भी रात की लाइट में होटल दिख पाएगा वो दिखाऊंगी, और अगर कल सुबह पॉसिबल होगा तो वो क्लिप्स भी आपके लिए ऐड करूंगी। बहुत बहुत खूबसूरत होटल है और बहुत अच्छी सर्विस है। मैं समझ गई हूँ कि सचिन तेंदुलकर यहाँ क्यों आया होगा, क्यों नहीं आएगा एक्चुअली। ये देखिए हमारा रूम, उसके एंट्री मैंने यहाँ पर लगा दी है कीज, और अब देखिए बहुत खूबसूरत सा रूम है। थोड़ा सा हमने मैसी कर दिया है अभी, हमारे लिए बहुत यमी यमी वेजिटेबल सैंडविचेस और ये फ्रेंच फ्राइज आए थे जिनकी हालत भी ख़राब हो चुकी है। जब हमने रूम में एंट्री करी थी तो सवाई माधोपुर के फेमस अमरूद थे यहाँ पर। ये पूरा कॉफ़ी टेबल, बॉटल्स, ग्लासेस, इधर भी एक डस्टबिन है। ये बैठने के लिए यहाँ पे आराम से चेयर है। आई थिंक ये रूम वार्मर है, और देखिए आई थिंक ये ट्विन बेड वाला रूम है। इधर इन्होंने बहुत अच्छा लैम्प दिया है, और ये क्या है, ये है टेलीफोन और जो भी नॉर्मल सर्विसेज होती हैं। ये देखिए बेड, मैं आपको और वाइड व्यू दिखाती हूँ इस तरीके से। लेपर्ड का वहाँ पे पिक्चर है, एसी है, बहुत खूबसूरत सी ऊपर लाइट्स हैं। इसके पीछे जो एरिया है ये पूरा स्टडी डेस्क एरिया है। ये इन लोगों ने कबर्ड्स भी दे रखे हैं विद अ सेफ, तो वो सब फैसिलिटीज़ भी हैं। आइए सबसे, जो हर होटल का सबसे खूबसूरत पोर्शन होता है उसका बाथरूम। तो इसमें सबसे स्पेशल जो चीज़ है, ये देखिए ऊपर से पूरा नेट लगा हुआ है, ये लाइट कम है यहाँ पर, तो ये पूरा ओपन शावर एरिया है बेसिकली, जो एक्स्ट्रा है। मतलब बाथरूम तो है लेकिन ये शावर एरिया है, जो डेफिनेटली अभी सर्दी में तो शायद इतना काम नहीं आएगा। ये यहाँ पर इन्होंने फैसिलिटीज़ दे रखी है, ये देखिए, और नेचुरल फील के साथ। और इसमें आप अंदर से कर्टेंस लगा सकते हैं, वरना व्यू ओपन है फ्रॉम द रूम। और ये एक्स्ट्रा टॉवल्स है, तो जब हम आए थे तो रोज़ पेटल्स थी यहाँ पर। और ये टॉयलेट वाला सेक्शन है, ये एक्स्ट्रा शावर वाला सेक्शन है, दोनों ग्लास से डिवाइडेड है। ये यहाँ पे बेसिन वाला एरिया है, यहाँ पर टॉवल्स वगैरह रखे हुए थे। ये देखिए बहुत बहुत ही स्पेशियस, बड़ा और अच्छा है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब ख़त्म हो जाता है, इसके पीछे भी जब आप देखेंगे तो एक हमारे लिए बहुत प्राइवेट, बहुत ही अच्छा एरिया है, जो यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है। मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, आई एम नॉट श्योर, वो आई थिंक यहाँ पे लाइट का थोड़ी बहुत, ओके, इस तरह की लाइट का थोड़ा सा ऑप्शन है, लालटेन लगी हुई एक्चुअली। तो ये छोटा सा मिनी गार्डन एरिया है, छोटी सी मिनी बालकनी है रूम के साथ भी, जो हमारा नीचे वाला रूम ही है, बाकी आई थिंक एक रूम ऊपर भी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि कितना क्लीन है और सब कुछ लाइक अवेलेबल है जो रिक्वायर्ड होता है। इस तरीके से आप फिर से एक बार और देख सकते हैं। जब रूम से बाहर निकलते हैं तो जैसे आप बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स में जाते हैं जहाँ पे बहुत रोमांटिक फील होती है, डिम लाइट्स होती हैं, तो उसी तरीके का फील है। मतलब अभी तो रात हो रही है, कुछ भी ज़्यादा नहीं दिख रहा है यहाँ पर। जब मैं वहाँ से निकली थी तो थोड़ा सा लाइट्स कम थी रूम के, उधर बहुत कम लाइटिंग उन्होंने रखी थी, आई थिंक फॉर प्राइवेसी फील और रोमांटिक फील। लेकिन ये इनका सबसे ज़्यादा
लाइक फेमस एरिया है, मुझे नाम तो नहीं पता एग्जैक्टली वो लोग इस एरिया को क्या बोलते हैं, बट राजस्थान में आई थिंक इस तरीके का एक बावड़ी करके कॉन्सेप्ट होता है, तो उस कॉन्सेप्ट पे आई थिंक ये बनाया गया है, जहाँ पे आप स्टेयर्स बाय स्टेयर्स पे लोग बैठते हैं और पूरा ये थीम है, और ऊपर से भी आप देख सकते हैं इसको, यहाँ से भी पूरा अच्छा सा व्यू है। तो चलिए आपको नीचे लेके चलते हैं और उसके बाद मैं आपको डाइनिंग एरिया और फ्रंट भी दिखाऊंगी। आई नो मैंने उल्टा स्टार्ट किया है अपने रूम से, लेकिन फिर भी बहुत इन्जॉयबल और इंटरेस्टिंग है, तो आगे चलते हैं। ये देखिए बहुत इधर डिम और लाइक एकदम आप नाइट वॉक करें और रिलैक्स होने के लिए आए जैसे विलेज एरिया में, तो बहुत विलेज लाइटिंग और वो वाला कॉन्सेप्ट है जहाँ पर बहुत मिनी लाइट्स हैं, इतनी लाइट्स नहीं है कि आपको डिस्टर्ब हो और आपको चुभे और ऐसा लगे कि आप बहुत चकाचौंध में आए हो। तो कॉन्सेप्ट आई थिंक वही है कि आप शहर की उस भीड़ भाड़ से दूर जब बहुत शांति वाले एरिया में आते हैं तो उस कॉन्सेप्ट पे है। बहुत पीछे तक बहुत कुछ बना हुआ है, इतने ट्रीज़ है कि उसी से ही एक प्राइवेसी बनी हुई है हर रूम के आसपास। तो अगर हम सुबह में बना पाए तो आपको वो सुबह वाला भी थोड़ा व्यू दिखाएंगे। बाकी आप ये देखिए, मैं एक एक स्टेयर्स के साथ नीचे आ रही हूँ, और जो ये टेबल्स और चेयर्स है ये भी बहुत वुडन और लाइक पूरा वो रॉ कॉन्सेप्ट है विद फ्लावर्स, उस तरीके की जो आप लैम्प लाइट्स देख रहे हैं वो भी जैसे ओल्ड टाइम्स में होती थी। तो सुंदर और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ उस तरीके की लाइटिंग है। तो नीचे आने में भी मतलब ऐसे लग रहा था कि वाओ कहीं उतर रहे हैं। ये देखिए पूल पे पहुंच गई हूँ मैं, और ये जो पूल साइड बेंचेस होती हैं पूरा मतलब लेट्स सी इस पे बैठ के कैसा लगता है। आई थिंक वो उस पर थोड़ी ओस जमी हुई थी और वो थोड़ा गीला था, मैं उठते ही फटाफट खड़ी हो गई, बहुत बुरा आइडिया था, मुझे पहले चेक कर लेना चाहिए था, बट आप लोगों को बताने के एक्साइटमेंट में मैं एकदम से बैठ गई हूँ। अब हम आई थिंक इधर प्ले एरिया भी है बच्चों का, तो हम वहाँ पर भी चलते हैं। उस प्ले एरिया से पहले ये देखिए इधर स्नूकर और इसका तो मैं नाम ही भूल गई हूँ, ये देखिए वेरी वेरी ब्यूटीफुल एलिगेंट लोग पिक्चर्स ले रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये पूरा पोर्शन आप देखिए, मतलब इट्स लाइक कि आप बस खड़े होके चुपचाप यहाँ बैठिए अपनी बुक लेकर या कुछ नहीं लेकर भी तारों की छाव में वो वाला कॉन्सेप्ट है पूरा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थॉट प्रोसेस से बनाया गया है। मुझे नहीं पता इतना थॉट प्रोसेस कैसे लगाया गया होगा। यहाँ पे हैं हम स्पा एंड जिम, थैंक यू सो मच। कहाँ पे हाय, ये देखिए बच्चों का प्ले एरिया, वाओ बुक्स एंड कैरम, दिविज क्या खेल रहा है? अरे दिविज लूडो खेल रहा है, क्या खेल रहा है दिविज, क्या खेल रहा है दिविज? हाय, इधर पूरा स्पा वगैरह है, चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड इन द फिटनेस सेंटर। ओके सो दे हैव अ मिनी फिटनेस सेंटर, तो आप यहाँ आए हैं और आपको लगे कि अरे मैं बहुत खा रहा हूँ खा रही हूँ, तो आप यहाँ पे फिटनेस सेंटर भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी में लग रहे हैं सारे मशीन्स भी। तो यू कैन ऑफ कोर्स कम हियर, वाओ देयर इज अ बॉल एज वेल, अच्छा है मतलब वेरी नाइस। लेट्स सी और क्या क्या है, कॉन्फ्रेंस सेंटर्स और ये सब भी दिख रहे हैं मुझे। फिटनेस सेंटर के सामने आई थिंक ये मिनी कुछ बैंक्वेट हॉल टाइप से जो कि बंद है, एंट्री फॉर स्टाफ ओनली, सो मैं यहाँ पे एंटर नहीं करूँगी, आई थिंक स्टाफ के रहने का या कुछ है,
बट आप यहाँ चलकर भी देखिए, मतलब जो टाइल्स हैं, ऊपर की लाइट्स है, जो इफ़ेक्ट आ रहा है, सब कुछ इतना अपीलिंग और नाइस है कि अच्छा लगेगा। ये लेडीज़ वॉशरूम है, लेट्स चेक आउट दिस टू। वाओ, ये देखिए, ये भी बहुत ही क्लीन और नाइस है। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट? ऐसे टाइगर और नेचुरल पिक्चर्स भी बहुत सारी लगी हुई है यहाँ पर। ये तो हम जो नीचे बावड़ी वाले एरिया में आए थे, वहाँ मैं नीचे आई थी तो उसी पोर्शन में था। अब वापस से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, रिसेप्शन एरिया, डाइनिंग एरिया और वो सब भी चेकआउट करते हैं यहाँ का। आई एम श्योर वो भी बहुत खूबसूरत होगा। जब मैं चल रही हूँ, तो अभी जब मैं जयपुर में थी तो मैं सोच रही थी कि यार, जब मैं सांस ले रही हूँ तो शायद पॉल्यूशन से आ रहा है, तो यहाँ पर आकर ना वापस से एक्चुअली वो कैलिफोर्निया वाली फील आ गई है। सॉरी टू से दैट एंड हैप्पी टू से दैट टू। इतनी फ्रेशनेस है कि मज़ा आ रहा है, मतलब जाने का मन नहीं कर रहा है। और इतना रिलैक्सेशन के बाद भी इतनी टायरिंग माइंडसेट था, तो उसको थोड़ा एक कामनेस मिली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है और लोग आई थिंक कहीं कहीं हैं, अपने रूम्स में रिलैक्स कर रहे हैं। थोड़े थोड़े लोग दिख रहे हैं, अभी शायद डाइनिंग वाले टाइम में दिखेंगे। तो ये पूरा मेरे पीछे आउटडोर लाइक डाइनिंग एरिया है, लाइक विच इज़ सो वंडरफुल, मैं क्या बताऊँ। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखिए, एकदम हर जगह वही सेम गुड क्वालिटी फर्नीचर, वुडन फर्नीचर। और यहाँ से भी आई थिंक पूरा ऊपर वाला वो जो व्यू है, अगर आपको नीचे, मैंने सुना है कि इधर सामने की तरफ और नीचे की तरफ कुछ म्यूज़िक बैंड्स और ये सब चलता रहता है बहुत बार, तो आप यहाँ बैठ के खाना खाते वक्त भी पूरा नीचे का सब इन्जॉय कर सकते हैं। ये देखिए, बच्चे खेल रहे हैं नीचे और बहुत नीटली और क्वाइटली सब अरेंज्ड है, लाइक फुल रिलैक्स करने वाला। हॉलीडे आपको प्लान करना है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। दावतें खास करके इनका डाइनिंग रूम है, नो आउटसाइड फूड इज़ अलाउड, पुश करना है इसको। ओके, ये इनका इनर, वाव, डाइनिंग एरिया इज सो ब्यूटीफुल। ये देखिए, इतनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है, माय गॉड, मुझे अभी टाइम है डिनर करने में। फिर भी खाना ऑलरेडी लग चुका है। ये देखिए, वैरायटी ऑफ सैलड्स, ओह माय गॉड, अभी बहुत सारा खाना आना आई थिंक बाकी है। और मैंने उन्हें कहा है कि मैं बस वीडियो ले रही हूँ एंड दे आर वेरी फाइन विद इट, थैंक यू सो मच। और आई थिंक उधर और क्या क्या है देखते हैं। फूड तो जब मैं शायद लूँगी तब और दिखाऊँगी या नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि भूख लग रही होगी तो मुझे नहीं पता मेरा मन करेगा क्या कि आप और देखें। बट दिस इज़ लाइक रियली नाइस, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। लेट्स सी, बहुत बड़ा है, अगर कोई खो जाए ना तो आई डोंट नो क्या फैसिलिटी होगी कि हम मिल जाए वापस, कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा, या स्टाफ कहीं ना कहीं मिलता रहता है। और बहुत स्माइलिंग स्टाफ है, जितनों से भी अभी तक इंटरेक्शन हुआ है आते जाते, एवरीबडी लाइक स्माइल्ड। ये दिस इज़ अ बार एंड आई एम अगेन पुलिंग, जबकि लिखा हुआ है पुश। दिस द होल बार एरिया एंड ये बिल्कुल डाइनिंग एरिया के पास में ही है। ये देखिए, इस तरह से बहुत फाउंटेन्स और नेचर, ये देखिए बिग बिग लाइक ट्रीज, रियल ट्रीज, वो सब बहुत ज़्यादा है उधर वाले सेक्शन में। इतनी अभी लाइटिंग नहीं है तो वो मैं इतना बाहर से पूरा लुक नहीं दिखा पा रही हूँ आपको, सॉरी फॉर दैट। बट मेरे को बहुत अच्छी फील आ रही है क्योंकि उसकी वजह से आई थिंक इतनी ज़्यादा आँखों में लाइट नहीं है कि बहुत शांति मिल रही है, एज आई सेड बिफोर। चलो आपको रिसेप्शन एरिया में लेके चलते हैं। ओह वाह, देखिए ये देखिए, ओह आई लव दिस चेयर, कितना अच्छा कलर है इसका, आई थिंक लोटस फ्लावर बना हुआ है। ये पूरा
वही वाला सेक्शन है। वाह कितना अमेजिंग है ना, ये देखिए वो जो फाउंटेन्स है उसका भी इफेक्ट आ रहा है। आई लव द कुशन्स यार, बहुत ही एथनिक लुक है इनका भी। ऊपर ये देखिए, ओह चलो इधर की तरफ देखते हैं क्या है। उधर मैं ज़्यादा नहीं जा रही हूँ, ऑफिस एरिया है उनका। बट और इधर देखते हैं इस एरिया में क्या है। ओह सब कुछ इतना खूबसूरत है ना, आई लव दिस ब्लैक एंड वाइट। आई थिंक कुछ साइंटिफिक इफेक्ट होता है इसका भी, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों की लाइफ में डेफिनेटली होता है जब वो लाइक बिलो 3-4 मंथ्स होते हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा ब्रेन पे स्टिमुलेशन कम होता है मतलब। और ओह दे हैव अ स्टोर टू, वाओ। नमस्ते भैया, पहचाने क्या आप? ये पूरा रणथंभौर एंड ये देखिए स्टोर में लोग थे तो मैं इतना बोल नहीं रही थी, बट बहुत सारे लाइक बुक्स एंड यहाँ की जो ड्रेसेस होती है, शॉल्स, राजस्थानी वियर, ज्वेलरी, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ओ आई लव दोस काउचेस, वाओ। एक बार इस पे तो आई थिंक आई एम श्योर ये वाले वो उसमें गीले नहीं होंगे, इस पे बैठा जा सकता है, राइट? हाँ दिस इज वेरी कम्फर्टिंग और आई एम श्योर कि जितना मज़ा मुझे आ रहा है ये सब देखते हुए उतना ही इंटरेस्ट आप लोगों को भी आ रहा होगा। बहुत ही रिलैक्सिंग वंडरफुल होटल है और मतलब मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रही हूँ कि चलो वीडियो बनाते हैं और कहते हैं, बट मैं डेफिनेटली फील करती हूँ वो कामनेस और वो वाइब और हॉस्पिटैलिटी बेसिकली सब कुछ मतलब। और एक ना बहुत अच्छा प्यारा सा सितार या कुछ म्यूज़िक चल रहा है और बहुत लाइट चल रहा है जिसकी वजह से भी आप एक फील कर सकते हो वो कामनेस और ब्यूटी। अभी मैं आ गई हूँ एकदम मेन एंट्री वाले बाहर वाले एरिया में। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे लाइट नहीं है तो मे भी थोड़ी देर बाद आपको मैं भी ना दिखूँ और वो भी ना दिखे, बट जो पार्किंग एरिया है और लाइट वाला एरिया है, लाइट क्या आई मीन एंट्री वाला एरिया है, वो भी मतलब लाइक यू फील वेलकम्ड इस तरीके का है, क्योंकि बहुत हॉचपॉच नहीं है। और मैं एक्चुअली नेचर लवर हूँ तो बहुत सारे प्लांट्स हैं तो वो भी मुझे अच्छा लगता है। और जब आप इस होटल में आते हैं अंदर तो रणथंभौर में बहुत सारे अभी होटल्स मेन रोड की जगह ऐसे अंदर वाले एरियाज़ में चले गए हैं जो अच्छे अच्छे होटल्स हैं, तो ये भी थोड़ा अंदर जाके है। तो मे भी हो सकता है कि जस्ट आप अंदर आओ तो थोड़ा सा मेन रोड से अंदर जो है तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग राइड है, बिकॉज इट इज़ अ डुग डुग राइड इन अ कार, क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर नीचे होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डिफरेंट विलेज एक्सपीरियंस करना है या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना है तो बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है तो फिर भी ये एंट्री एरिया है जैसे इस तरीके का, आपको आई थिंक कुछ आइडिया तो डेफिनेटली लग रहा होगा। और जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मुझे सुबह आने का मौका मिलेगा, अगर हम रात में कुछ ऐसा प्लान करते हैं स्टे करने का, मैं थोड़ा वापस पीछे जाती हूँ क्योंकि बिल्कुल लाइट गायब हो गई है मेरे ऊपर से। तो आपको ज़रूर मैं दिखाऊंगी, लेकिन अभी तक जो भी मैंने जितनी भी डेट देखा है वो एक्सपीरियंस मेरा डेफिनेटली बहुत वंडरफुल रहा है। बहुत खूबसूरत होटल है, बहुत अच्छा बिग होटल है और बहुत अच्छी वाइब्स है। आप लोगों को लग रहा होगा कितनी बार ये एक ही बात बोल रही है, बट इट इज़ डेफिनेटली अ मस्ट स्टे एंड अ ब्यूटिफुल स्टे। और अगर कुछ बीच में दिखता है तो मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। बट थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। देखिए एकदम लाइट आ गई है तो मज़ा आ रहा है मुझे बहुत। बेसिकली दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। और लेट्स सी कि और कुछ इंटरेस्टिंग है क्या। ये जिस एरिया से मैं ऊपर चल के आई थी से बहुत सारे खूबसूरत एरियाज हैं।
अच्छा, ये रूम वाले एरिया की तरफ मैं वापस आई थी सोच के कि शायद कुछ मुझे दिख जाए, या फिर भी आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके से पाथवेज है और दोनों तरफ ये देखिए कितने प्लांट्स है, और इधर ये रूम्स है ऊपर, आई मीन वो शेड वाला तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है, और ऊपर नीचे कर कर है रूम्स, तो लाइक बहुत प्राइवेट और ब्यूटीफुल आपको फील लगेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये बगल में भी कोई रहता है क्या, ये क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे, मैं हॉलीडे पर आई हूँ, पीस लेने के लिए आई हूँ, तो उस तरीके का नहीं लगेगा आपको। और ये एक और एरिया यहाँ पर, ये देखिए एक और छोटा एरिया इन्होंने यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, जिससे वो डाइनिंग एरिया और ये वो पूल वाला एरिया दिखता है। ये तो मतलब जान है इस होटल की, आई थिंक इट्स जस्ट सो सो ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल। जैसा मैं आपको बता रही थी कि याद है आपको डाइनिंग एरिया से मैं आपको जो सामने वाला सेक्शन दिखा रही थी कि इधर म्यूज़िक वगैरह होता है, तो ये देखिए राजस्थानी म्यूज़िक, और उसके लिए आगे एक बार इनसे पूछते हैं क्या क्या करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? शंकर। नमस्ते, आप क्या क्या बजाएंगे अभी? रावण अच्छा। हाँ रावण अच्छा। आप मेरे को एक बार दिखाएंगे अभी सेट करने के बाद? गाना भी गाएंगे या सिर्फ बजाएंगे? दोनों करें? नहीं, बजाएंगे भी या गाना भी गाएंगे? हाँ। गाना गाएंगे? अच्छा, अरे वाह, बहुत पसंद है मुझे म्यूजिक, तो आपको देख के मैं बहुत खुश हो गई। रोज आते हैं क्या आप यहाँ पर? जी। अच्छा, अरे वाह, यहीं रहते हैं आप? कौन सा है? चूरू, चूरू। चूरू से आते हैं क्या? बहुत ठंड है वहाँ तो, यहाँ से भी ज्यादा है, है ना? हाँ, वहाँ पे शायद -4 था अभी कल परसों, है ना? ओहो हो, अरे बर्फ जमती है तो यहाँ तो आपको अच्छा लग रहा होगा थोड़ा। वहाँ से थोड़ा बेटर है यहाँ पे, है ना? मैं तो अभी जयपुर से आई हूँ, वहाँ तो बिल्कुल नहीं लग रहा था ठंडी, यहाँ पे थोड़ा फिर भी लगा, लेकिन मैं अभी तीन दिन से ज्यादा पड़ रही सर्दी, नहीं पहले तो पता ही नहीं था सर्दी भी चल रही है। हाँ, लेकिन मैं और भी नए साल आने के बाद ही मैं क्या और भी बाहर रहती हूँ अमेरिका साइड में, तो मेरे को यहाँ पे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी, फिर इधर आई सुबह सवाई माधोपुर रणथंबोर, मुझे लगा चलो थोड़ी ठंडी तो है यहाँ पर, तो ये आप मेरे को बताएंगे कि क्या ये रावण हता? अच्छा, अरे वाह, और इसके अंदर क्या है? ढोलक। ढोलक है, अच्छा, तो आपने सीखा हुआ है क्या गाना वाना? जी। अच्छा, अरे वाह, चलो सुनते हैं आपको भी एक बार। ये बैठ गए हैं भैया, अरे वाह वाह वाह, आप दोनों बजा लेते हैं क्या? ये रावण हत्ता जो है, नहीं ये मैं बजाता हूँ। अच्छा, इसे पापी बजाते हैं? मेरे को ही है। ये तो मतलब राजस्थान का ही कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या? ये राजस्थानी वायलिन बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा, राजस्थानी वायलिन, तो ये नाम इसका रावण हत्ता, वायलिन की तरह होता है, सेम वैसे बजाते हैं। अच्छा, लेकिन इंडियन राजस्थान में मिलेगा, मैं और कहीं नहीं मिलेगा आपको। अरे वाह, अरे वाह, और ये आपने खुद से बनाया क्या इसका? ये लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे एकदम लकड़ी से बनाया हो जैसे, है ना? लकड़ी के तो नहीं। हाँ नहीं, जैसे एकदम टेढ़ा करके ना। अरे वाह, हाँ मिले न ज्ञान, ओ अने
आई थिंक जितना मज़ा मुझे आया है आप लोगों को भी डेफिनेटली आया होगा. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और इस होटल में आप कभी भी जाए तो मुझे ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लगा आपको. मैंने सच में सच बोला हर आपके लिए और नहीं, क्योंकि मुझे जो फील हुआ मैंने एक्चुअली में वही बोला है. कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि मैं सिर्फ बनाकर बोल रही हूँ. तो बहुत ऑनेस्ट रिव्यू है. तो आप लोग मुझे डेफिनेटली ज़रूर बताइएगा कैसा है. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.